जापान अपने आप में ही अनूठा है और आकर्षक संस्कृति और सामाजिक प्रतिमानों का दावा करता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। इसके अलावा भले ही जापान पृथ्वी पर सबसे अधिक सामाजिक और तकनीकी रूप से आगे देशों में से एक है, लेकिन ये अपने अज्ञात संस्कृति और नियमों के लिए भी लोकप्रिय है। आज के इस नए वीडियो में हम जापान के बारे में 9 अजीब और दिलचस्प तथ्यों को जानेंगे जिससे आपने शायद ही कभी सुना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फैक्ट नंबर 1, जापान में क्लोन बनाना अवैध है। हालांकि अपने आप में एक क्लोन होना कोई नियमित बात नहीं है, लेकिन जापान में मानव क्लोनिंग के साथ प्रयोग करने में कानून के खिलाफ है और ये 2001 से लागू है। यदि कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और साथ में भारी जुर्माना देना पड़ता है। ये कानून वैज्ञानिकों को मानव क्लोनिंग अनुसंधान में फीडिंग को रोकने के लिए रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, अपने आप मोटे नहीं हो सकते। जापान के सूमो पहलवान काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सूमो कुश्ती के मैदान से बाहर शायद ही कोई देश में मोटे लोग होंगे। भले ही जापान अच्छी तरह से संतुलित आहार लेते हैं, लेकिन यह उनके कम मोटापे की दर का एकमात्र कारण नहीं है। कथित तौर पर 2008 में मोटाबो कानून के अनुसार सरकार उन लोगों की कमर की निगरानी करती है जो 40 साल के हो चुके हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। वास्तव में 40 से 74 वर्ष की बीच में जापानी नागरिकों को माना जाता है कि उनकी उम्र कमर सालाना मापी जाती है। फैक्ट नंबर 3, लोगों को गाड़ियों के अंदर धकेलने के लिए काम में रखा जाता है। टोक्यो में लगभग 57% लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, जिसे बड़े पैमाने पर कंप्यूटर संघर्ष होता है। अगर रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं है तो अधिकांश रेलवे 100% से अधिक की क्षमता से अधिक परिचालन करते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए शहर में भी भीड़ भाड़ वाले घंटे के दौरान लोगों को ट्रेनों के अंदर धकेलने के लिए ट्रिजिट पुशर्स नाम के लोगों को किराए पर दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, वेंडिंग मशीन जो लगभग सब कुछ बेचती है। जापान में लगभग 23 मिलियन लोगों के लिए लगभग 5 मिलियन मशीनें या फिर वन मशीन के साथ वेंडिंग मशीनों का उच्चतम घनवत है। जबकि पहली मशीन जिसे सिगरेट बेचने के लिए जापान में स्थापित किया गया था, पत्रिकाओं, फूलों, छाताएं और टॉयलेट पेपर के पूर्ण भोजन को लगभग सभी चीज़ों आज इन मशीनों से भी खरीदा जा सकता है। इस वेंडिंग मशीन संस्कृत के संचालन के लिए जापान के आकर्षण का प्रदर्शन किया गया है और लगभग हर सड़क में कम से कम एक वेंडिंग मशीन की सुविधा है। फैक्ट नंबर 5, जुआ गैरकानूनी है। जापान में जुआ खेलना गैरकानूनी है। हालांकि जुए में के समान खेल है पिचो के का नाम का एक खेल, इसलिए ये आधिकारिक रूप से जुआ नहीं है। एक को छोटे धातु के गोले खरीदने पड़ते हैं जो मशीन के खिसक जाते हैं, फिर जितने वाले बॉल का आदान प्रदान टोकन और पुरस्कार के लिए किया जाता है जो फिर पैसे के लिए बदल दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, काम पर पावर नैपले। हाँ, तुमने सही सुना, काम के बीच में झपकी लेना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे व्यक्तियों और गति की में सुधार होती है। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी नौकरी के लिए समर्थ हैं और अपनी अपनी नौकरियों के लिए लंबा और कठिन काम कर किया है। कुछ लोग इसे नकली भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, घरों के अंदर जूते की अनुमति नहीं है। घर के अंदर जूते पहनना अशिष्ट माना जाता है।
वास्तव में एक घर में प्रवेश करने से पहले आपको एक जोड़ी चप्पल दी जाती है और वहां आप अपने जूते उतारने के लिए कहा जाता है। ये जापानी रिवाज उन दिनों में वापस आ गया जब जापानी फर्श पर बैठकर खाना खाते थे और गंदे जूते नहीं चाहते थे कि वे उस जगह को बर्बाद कर दे जहां उन्होंने खाना खाया था। फैक्ट नंबर 9, गंदे नूडल्स को विनमित माना जाता है। जापान में स्ट्रूपे नूडल्स को विनमित माना जाता है क्योंकि उनके अनुसार ये भोजन के लिए प्रशंसा दर्शाता है। तो अगली बार जब आप जापान में एक नूडल रेस्टोरेंट में जाएं, तो आप नूडल का पूरा आनंद लें। सो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।